बात हरियाणा चुनाव की करेंगे। हरियाणा के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का ऐलान। बेहोवा से अब जय भगवान शर्मा होंगे प्रत्याशी। नू से मंत्री संजय सिंह को मिला है टिकट। दो मुस्लिम उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि विनेश के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी लड़ेंगे चुनाव। जुलाना से कैप्टन योगेश को बीजेपी ने दिया है टिकट। तो अब तक बीजेपी की 87 उम्मीदवार घोषित। फरीदाबाद, एनआईटी, सिरसा, महेंद्रगढ़ का ऐलान बाकी है, यानी 3 90 में से 3 सीटें बाकी हैं। यहां पर कौन होगा प्रत्याशी इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन 87 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और आज जो लिस्ट आई है इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। मेरे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं लगातार। नीरज, क्या समीकरण इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप खास बात? देखिए, मैं जब इस लिस्ट में, यानी 21 लोगों की जो लिस्ट आई है, उस 21 लोगों की लिस्ट जब देखता हूं तो कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो कैडर के लोगों को ही मौका दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि नए और पुराने का समावेश, बहुत सारे नए चेहरे हैं, या कह सकते हैं कि कम उम्र के लोगों को मौका देगा। और ये पहली बार है, पिछले 2-3 चुनाव में देखा हमने, पिछले 10 सालों में ये पहली बार देखा कि हरियाणा में 2 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी अपने आप में नया है। 5 टिकट काटे हैं इस 21 लोगों की लिस्ट में, जिसमें हथीन है आपका, बड़खल की सीट है, इसके अलावा भी 3 और सीटें हैं हथीन के अलावा। तो ये आप समझिए कि 5 नए उम्मीदवार दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन पर्पज यही है कि किसी भी तरह से हरियाणा में एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए, और यही दावा बीजेपी के नेता कर भी रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।